हायर एजुकेशन से जुड़े छोटे या बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डीके गुरु ट्यूटोरियल, साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने YouTube चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इन दिनों मैं अपने यूट्यूब चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल पर आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है स्टूडेंट क्वेरीज, जहां पे मुझसे आप लोग डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं, सवाल दाग सकते हैं मेरे विभिन्न सोशल साइट्स प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर यदि मुझे जरूरत महसूस हुआ, मुझे ऐसा लगा कि इस क्वेश्चन से औरों को भी फायदा हो सकता है, तो मैं उस क्वेश्चन से क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा आपके नाम के साथ। दोस्तों, मैं इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने एक क्वेश्चन चूज किया है, जो क्वेश्चन है कि आखिरकार वो कौन सा यूनिवर्सिटी है जिससे पीएचडी करना सबसे अच्छा रहेगा, या फिर वो कौन सा यूनिवर्सिटी है जो सबसे अच्छा है पीएचडी के लिए। दोस्तों, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर वन लाइनर में तो दे नहीं सकता, तो थोड़ा सा लंबा इसका आंसर होगा। जरूर पूरा आंसर को सुनिए, उम्मीद करता हूं यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है भविष्य में। दोस्तों, अगर यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको वैसा यूनिवर्सिटी चूज करना चाहिए जहां का रिसर्च वर्क अच्छा हो। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई ऐसे भी यूनिवर्सिटी हैं जो बाकी एक्टिविटीज में बहुत अच्छे हैं लेकिन उसका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी ऐसे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है बट उसका रिसर्च जो सेक्शन है, या फिर कहें जो रिसर्च वर्क है, वो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से भी अच्छा नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आप ऐसा कॉलेज चूज कीजिए, ऐसा यूनिवर्सिटी चूज कीजिए जहां पे रिसर्च वर्क बहुत अच्छे होते हों। आप जब भी एडमिशन लेने जाए रिसर्च वर्क में, जो भी यूनिवर्सिटी को आपने चूज किया है, उस यूनिवर्सिटी के बारे में ऑफिशियल वेबसाइट को खोलिए, वहां से आपको पीएचडी संबंधित बहुत सारे जानकारियां मिलेंगे। जैसे कि वहां से सबसे पहले आपको ये मिल जाएगा कि कितना स्टूडेंट वहां पे रजिस्टर्ड है, वहां से स्टूडेंट के नाम को अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका स्टूडेंट वहां से रजिस्टर्ड है उसका नंबर निकालें, नाम निकालें, कोशिश करें उससे कुछ फीडबैक लेने का कि वहां की यूनिवर्सिटी में किस तरीके से रिसर्च होते हैं, रिसर्च वर्क कैसा है, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो भी रिसर्च से संबंधित है वो सब कितने होते हैं, साथ ही साथ कितना क्वालिटी होता है वहां के रिसर्च के बारे में, वो आपको सबसे बेस्ट बता पाएंगे। साथ ही साथ कोशिश करें और भी जितने सोर्स से हो सके उस यूनिवर्सिटी के बारे में, उस यूनिवर्सिटी के रिसर्च के बारे में पता करने का, उसके बाद ही किसी यूनिवर्सिटी में आप रिसर्च के लिए एडमिशन लें। अब मैं आता हूं उस क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन था कि कौन सा यूनिवर्सिटी से करना चाहिए। सामान्यतः यह देखा गया है, माना जाता है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च होता है वो सबसे बेटर रिसर्च माना जाता है, क्योंकि वहां पे आपको रेगुलर रहकर वहां पे जो गाइड जो होते हैं वो ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू स्टेट यूनिवर्सिटी के। तो आपको सबसे पहले जो टारगेट करना चाहिए वो करना चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो हमारे देश में 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आपको सबसे पहले टारगेट करना चाहिए एडमिशन को। अगर यदि कि आपका एडमिशन बाय चांस वहां पे नहीं होता है तो आप अधिक से अधिक, अगर यदि आप जेआरएफ किए हुए हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज करें ए ग्रेड यूनिवर्सिटी के साथ। अगर यदि कोई ए ग्रेड यूनिवर्सिटी यदि आपको मिलता है तो आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो। कई बार देखा गया है कि बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी भी हैं जहां पे बहुत अच्छा रिसर्च वर्क होता है। तो दोस्तों, ये था आपका आंसर, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। वैसे एक छोटा सा वीडियो में बहुत कुछ बता पाना संभव नहीं है, अगर यदि फिर भी आपका यदि कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी कोशिश करूंगा वीडियो बनाकर आपको आंसर देने का। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे।